आज ये क्लास उन स्टूडेंट के लिए है जो अभी कक्षा 12th में है और कंप्यूटर विज्ञान से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास 12th कंप्यूटर साइंस। ये बुक पढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि अब हमारे इस बुक में, ये जो बुक है सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रोग्रामिंग, अब इसके अंदर टोटल कितने यूनिट है वो देखना ज़रूरी है। इस बुक में टोटल 15 यूनिट है। इस 15 यूनिट को 3 भागों में डिवाइडेशन किया हुआ है। पहला डिवाइडेशन है 1 से लेकर 4 यूनिट, उसके बाद दूसरा है 5 से लेके 12 यूनिट, और उसके बाद है 13 से लेके 15 यूनिट। यानी इन 3 यूनिट में बिल्कुल टॉपिक अलग है। ये जो यूनिट है इसके अंदर आपके है सी भाषा, जो कि 11th क्लास के अंदर हमने पढ़ी है, ठीक है। और उसके बाद ये जो सेकंड पार्ट है 5 से लेके 12 तक, इसके अंदर है टोटल C++ भाषा, C++ भाषा, ठीक है। और ये जो 13 से 15 यूनिट है इसके अंदर आपके DBMS है, DBMS प्लस PLSQL, ये टॉपिक रहेंगे। इसमें से हमने 11th क्लास के अंदर DBMS पढ़ लिया, PLSQL हमारे लिए बिल्कुल अलग है। और तुम्हारे प्रैक्टिकल में भी ये इन तीन यूनिटों में से क्वेश्चन बनते हैं। पहले यूनिट उसमें से 6 नंबर का बनता है और दूसरे के अंदर भी 6 नंबर का बनता है और इसके अंदर तुम्हारे 8 नंबर का बनता है। तो 6 6 12 8, ये 20 नंबर का तो तुम्हारे थ्योरी का जो पेपर होगा वो हो जाएगा और बाकी का वो संतरण है। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 1 से लेकर 4 यूनिट के अंदर क्या नाम है, 5 से लेकर 12 यूनिट में क्या है, और 13 से लेकर 15 यूनिट में क्या है।